सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज़ ऋतुराज एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग बिकॉज आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन द मॉर्निंग। ओके, सो आफ्टर सो मेनी डेज आई एम मेकिंग द वीडियो फॉर जियोलॉजी। ओके, सो दिस वीडियो विल हेल्प यू फॉर योर गेट, नेट एज वेल एज जैम एग्जाम। ओके, सो एवरीबडी स्टे कनेक्टेड विद द वीडियो अंटिल द एंड। ओके, so the good news, everybody knows that CSIR has announced the date for NET exam in 2022, which will be held in the January month. After that, this exam will be followed by another two rounds in the 2022, right? So okay, JAM students, GATE and NET, this video will helpful for all these students who are preparing for JAM, GATE as well as NET exam. Okay, so this is related to groundwater. I have already uploaded some videos on hydrogeology. Okay, so you can just check the that playlist which I have uploaded. 2-3 videos will be there. Okay, and this one is another for exam purpose. This is totally exam purpose. Okay, so just stay connected until the end. This is new concept and frequently asked question in the every exam, JAM, GATE and NET. Okay, so let's start with the Guyven-Hertzberg equation. This is equation. Okay, so we are going to study about one equation which will tell about the freshwater and saline water interface of the coastal water areas. Okay, so Guyven and Hertzberg, they worked on this equation and tried to explain the saline water intrusion into the freshwater aquifers, into the coastal areas. Okay, so एक equation का study करेंगे हम। बहुत simple equation है और बहुत simple concept है, बस गलती करते हैं हम calculations में। ठीक है, मैं खुद करके आया था इसलिए। ठीक है, तो ये वो भी मैं बता दूंगा कि calculations में कहाँ कहाँ गलती हो सकती है और उसको avoid कर दो आप। ओके, ठीक है, तो ये दोनों ने 1888 और 1889 में इक्वेशन दिया था और उसके बाद वो एक्सेप्टेड हुआ है, लेकिन हर जगह एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में अगर पूछा है तो एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो करना है आपको जो इक्वेशन दिया है वो वैल्यू डाल के आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द Guyven-Hertzberg इक्वेशन। बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल कॉन्सेप्ट, आई विल try to explain the density difference between fresh water and saline water. Okay, density is this one is density, you know, right? Oh, so fresh water and this is saline water. We know average density of fresh water is 1 gram per cc and saline water ka density kya hota hai, 1.025. ab ye 025 add kahan se hua hai, to सेलाइन वाटर का सेलिनिटी जो होता है वो 35 पीपीटी होता है। पीपीटी का मतलब क्या है? पार्ट्स पर थाउजेंड। ओके, और फ्रेश वाटर तो फ्रेश है, सेलाइन नहीं है तो सॉल्ट नहीं होंगे, तो पीपीटी में ये करने की ज़रूरत नहीं है उसको कंसिडर करने की। ठीक है, तो ये जो पीपीटी आ रहा है, सेलिनिटी जो आ रहा है, सॉल्ट जो ऐड हो रहे हैं उसमें, उसकी वजह से इसका डेंसिटी बढ़ जा रहा है। ठीक है, किसका? सेलाइन वाटर का, सी वाटर जो होता है। सो वी आर हैविंग दिस 0.25 एक्स्ट्रा डेंसिटी बिकॉज ऑफ सेलिनिटी, बिकॉज ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट डिजॉल्व इन इट। ओके, सो ये तो समझ में आ गया, ये नोट डाउन कर लो, इम्पोर्टेंट है। ओके, नाउ विल मूव टू डायग्राम। ओके, लेट मी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। This is related to coastal aquifers and islands. Okay, तो coastal aquifer क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हमें पता है कि fresh water intrusion, saline water intrusion कहाँ हो सकता है? Coastal aquifers में। Inland नहीं हो सकता ना, कि यहाँ पे एक बड़ा land है, ये समुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कुछ इस जगह का हमें पढ़ना है तो यहाँ पे coastal water, sea water intrusion थोड़ी होगा। Sea water intrusion हमें पढ़ना है तो इधर पढ़ना होगा, समझ आ गया ना? तो ये हमें स्टडी करना है। और वाई वी आर गोइंग टू स्टडी दिस, द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टडी इज वी आर यूजिंग फ्रेश वाटर एज आवर डोमेस्टिक पर्पज़।
विनू, वी कैनॉट यूज सैलाइन वाटर फॉर इंडस्ट्री एज वेल एज फॉर डोमेस्टिक होम यूजेस एंड एवरीथिंग ड्रिंकिंग एंड ऑल. वी कैनॉट यूज द सैलाइन वाटर फॉर ड्रिंकिंग ऑल्सो, यू नो. एंड फॉर डिसैलिनेशन वी नीड सो मच कॉस्ट, सो दैट इज नॉट इकोनॉमिकल. ओके, सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज जो भी सिटीज़, जो भी इंडस्ट्रियल एरिया कोस्टल रीजन में होता है उनके लिए ग्राउंड वाटर की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, तो पूरा वाटर हम नदी से या किसी स्ट्रीम से ये नहीं कर सकते. ठीक है, तो ग्राउंड वाटर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. ओके, तो ग्राउंड वाटर तो हमें एक्सप्लोर करना ही है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है? कोस्टल एरियाज़ में जब हम एक्सप्लोर करने जाते हैं, एक्सट्रैक्ट करने जाते हैं ड्रिलिंग से, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आते जाते हैं कि सी वाटर का मिक्सिंग होता है फ्रेश वाटर के साथ, तो वो पानी जो है जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो उसमें सॉल्ट्स वगैरह मिलते हैं हमें, थोड़ा मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है. ठीक है, तो उसका स्टडी करेंगे आज. ये दोनों ने जो बताया था कि कोस्टल एक्विफर्स और आइलैंड में जो भी सैलाइन वाटर इंट्रूजन है वो कैसे होता है और किस डेप्थ तक होता है, तो इससे हमें आइडिया क्या मिलेगी कि व्हेनेवर वी स्टार्ट ड्रिलिंग अप टू व्हाट डेप्थ वी हैव टू ड्रिल इट. ओके, टू गेट द फ्रेश वाटर, ओनली फ्रेश वाटर. बियॉन्ड दैट इफ वी ड्रिल वी हैव वी विल गो इन टू द सैलाइन वाटर, दैट इज सी वाटर, सो वी डोंट वॉन्ट दैट. राइट, नाउ जस्ट फोकस ऑन दिस डायग्राम. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम. दिस इज अवर मीन सी लेवल, दिस इज मीन सी लेवल एक्सटेंडेड इन टू द कॉन्टिनेंट्स. सो यहाँ से इधर कॉन्टिनेंट है अभी और ये पूरा ओशन है. ठीक है, दिस इज ग्राउंड लेवल, ट्री निकालता हूँ यहाँ पे. ओके, दिस इज ग्राउंड लेवल, दिस इज ग्राउंड वाटर लेवल, दिस इज ग्राउंड लेवल, दिस इज ग्राउंड वाटर लेवल. तो ग्राउंड वाटर लेवल क्या होता है हमें पता है कि अपर लेवल ऑफ द एक्विफर. अब यहाँ पे कन्फाइंड एक्विफर कंसिडर नहीं करना है, अनकन्फाइंड एक्विफर कंसिडर करना है. ठीक है, सो इफ यू डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन कन्फाइंड अनकन्फाइंड, जस्ट गो टू द प्लेलिस्ट. आई हैव अपलोडेड 2-4 वीडियोज फॉर हाइड्रोजियोलॉजी. ओके, यू विल गेट एन आइडिया, ब्रॉड आइडिया व्हाट आर दीज टर्म्स. ओके, एंड वन मोर इंटरफेस आई एम गोइंग टू ड्रॉ हियर विच इज फ्रेश सैलाइन इंटरफेस. नाउ एज आई एम यूजिंग दिस इंटरफेस वर्ड विच मीन्स अबव दिस द ऑल द वाटर विल बी फ्रेश वाटर एंड बिलो दिस ऑल द वाटर विल बी सैलाइन वाटर. सो दिस इज सैलाइन वाटर इंट्रूजन. सैलाइन वाटर क्या किया, इंट्रूड किया. हमने देखा था कि अभी सी वाटर का डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है. ठीक है, एज कम्पेयर टू फ्रेश वाटर. तो ये क्या करेगा कि सैलाइन फ्रेश वाटर को पुश करेगा. ठीक है, जिसका डेंसिटी ज़्यादा, जिसका ताकत ज़्यादा है वो पुश करेगा ना दूसरे वाटर को. तो दिस विल ट्राई टू पुश टूवर्ड्स द लैंड साइड. समझ गए, ये पूरा है जो सैलाइन वाटर है, इसका ये कितना है 1.025 ग्राम पर सीसी इसका डेंसिटी है. ठीक है, तो ये 1 ग्राम पर सीसी वाले वाटर को पुश कर रहा है बस. ठीक है, क्योंकि इसका डेंसिटी ज़्यादा है ऑब्वियसली. अगर इसका डेंसिटी ज़्यादा होता तो इसका इंटरफेस कैसे बनता, इस साइड बनता, क्योंकि ये अब पुश कर रहा है इधर. ठीक है, तो ओवरऑल ये आइडिया समझ में आ गया आपको. ओके, सो दिस इज कोस्टल एक्विफर, दिस इज कॉल्ड कोस्टल एक्विफर क्योंकि ये कोस्ट के पास है, सी के पास है, इसलिए हम कोस्टल एक्विफर बोलते हैं. हम इनलैंड वाला नहीं देख रहे. ओके, तो बेसिकली व्हाट दीज टू पीपल डिड इज दे ट्राइड टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन द फ्रेश वाटर एंड सैलाइन वाटर इंटरफेस इनटू व्हिच इज प्रेजेंट इन द कोस्टल एरिया. राइट, ओके, तो हमें ये पढ़ना है कि कहाँ तक, यहाँ से कहाँ तक ड्रिल करना पड़ेगा, फिर हमें फ्रेश वाटर सैलाइन वाटर इंटरफेस मिलेगा, इसके आगे ड्रिल नहीं करना है, ये सब चीज़ें पता चलता है. सो वॉट दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मेथड. ओके, ओके, सो सपोज वी आर ड्रिलिंग हियर एट दिस पॉइंट. ओके, तो हमें ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ पे ग्राउंड वाटर नहीं है, ये पूरा एकदम एम्प्टी स्पेस है. ओके, तो यहाँ से यहाँ तक का ये है, उसको हम ए बोलते हैं, स्मॉल ए. ठीक है, अब ये जो है वो ग्राउंड वाटर लेवल है. ग्राउंड वाटर से मीन सी लेवल का जो लेवल है इसको एच बोलते हैं, हाइट. तो
हाइट क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि ये मीन सी लेवल से ऊपर जहाँ तक पानी है उसका हाइट ही हमें कंसिडर करना है जो इक्वेशन हम बना रहे हैं, इसलिए हम मैं इसको स्मॉल एच से डिनोट कर रहा हूँ। एंड बिलो दिस अप टू द सॉल्ट सलाइन फ्रेश वाटर इंटरफेस दिस विल बी जेड, ओके वी विल कंसिडर दिस एज जेड। ओके सो वॉट एवर इक्वेशन वी है वी विल बी मेकिंग रेफरिंग दिस डायग्राम will be depending on the only fresh water, okay? We are not considering the saline water in the equation, but हम क्या कर रहे हैं कि equation establish करके हम बता रहे हैं कि हाँ ये interface है, मतलब total हमारा destination क्या है कि ये line हमें पता करनी है बस, ठीक है? Every point कहाँ पर भी drilling करो, इधर करो इधर करो इधर करो, कोई भी point ले लो, ठीक है? So मैं अब इक्वेशन बता दूँ, सबको याद है ये वैल्यूज याद रखनी है आपको इक्वेशन के लिए दोनों, ओके okay? अब मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, Z इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सलाइन वाटर माइनस डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर। डेंसिटी ऑफ सलाइन वाटर पहले क्यों लिया, क्योंकि इसका ज़्यादा होता है डेंसिटी, ठीक है? नहीं तो निगेटिव में आंसर मिलेगा हमें। इन टू एच, अब एच क्या है, ठीक है ये इक्वेशन याद रखना, और ये एच क्या है ये भी देख लेना, ठीक है? क्योंकि मैं खुद गलती करके आया था लास्ट गेट में, ओके तो जेड हमें पता है कि मीन सी लेवल का जो एक्सटेंशन है ग्राउंड में, तो मीन सी लेवल से फ्रेश सलाइन वाटर का जो इंटरफेस है वहाँ तक लेना है। एच विल बी द हाइट बिटवीन मीन सी लेवल एंड ग्राउंड वाटर लेवल, दिस इज ग्राउंड वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल, ओके हाँ। तो मैंने जो वैल्यू बताए थे, अब आप सपोज हमें z कैलकुलेट करना है, ठीक है? हम h का एक वैल्यू हम कंसिडर करते हैं ऐसे, ठीक है? हम बस देखने के लिए कि क्या रिलेशन आता है इन दोनों में, ओके तो ये तो पता है ना हमें कि फ्रेश वाटर का वैल्यू, फ्रेश वाटर का डेंसिटी और सैलन वाटर का डेंसिटी ये तो फिक्स है, एवरेज वैल्यू लेते हैं हम, ठीक है? हर जगह तो सेम नहीं होगा, लेकिन एवरेज वैल्यू लेके हम कैलकुलेशन करना है इसको, ठीक है? तो एग्ज़ाम में ऐसा नहीं पूछेगा कि डेक्कन ट्रैप में ये प्लेस पे इतना इतना ये है तो ये क्या होगा, तो वहाँ पे जाके आपको टेस्ट ट्यूब लेके वो ये करना पड़ेगा, ये नहीं। तो ये सब वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है? ये कांस्टेंट रखना है। तो रिलेशन किस में निकालना है हमें, जेड और एच में, फाइनल रिलेशन जो होगा वो जेड और एच में आएगा। तो लेट स्टार्ट, जेड हम एच का वैल्यू है तो वो 2 मीटर कंसिडर करते हैं, ठीक है? 2 मीटर्स और 1 मीटर ले लो, हमें एक रिलेशन बनाना है तो 1 मीटर लेते हैं, ओके। जेड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर कितना है, 1 है। अब ग्राम पर सीसी में लेना है इसको, एक ही यूनिट एक ही रखना जो भी है, ठीक है? 1 डिवाइड बाय फ्रेश सैलाइन वाटर का कितना होता है डेंसिटी, 1.025 माइनस अगेन 1 इंटू ये कितना एच, एच हमारा 1 है, ठीक है? तो ये कैलकुलेट करना, इसका 1.1 डिवाइड बाय 0.025, तो ये अगर ये कर दो तो 40 आएगा, ठीक है? तो हमारा रिलेशन क्या आ गया, ये इक्वेशन देखो, हमने यहाँ पे 1 कंसिडर किया, तो अगर h इज इक्वल टू 1 कंसिडर करेंगे तो z इज इक्वल टू 40, ये हमारा रिलेशन आ गया अभी। तो इससे क्या बन गया हमारा रिलेशन, z इज इक्वल टू 40 h, दिस विल बी योर इक्वेशन विच यू हैव टू यू जस्ट नीड टू कंसिडर दिस इक्वेशन फॉर द एग्जाम पर्पज, ओके? यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दिस ऑल, ओके? सो जस्ट कंसिडर दिस इक्वेशन फॉर द एग्जाम पर्पज। दे कैन आस्क यू द डिस्टेंस बिटवीन द ग्राउंड लेवल टू द मीन सी लेवल, ओके? डोंट कन्फ्यूज, और दे विल गिव द वैल्यू ऑफ ए ऑल्सो। सपोज अभी ए का वैल्यू उन्होंने दिया है कि 4 मीटर है, ठीक है? और उन्होंने पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है। तो क्या हुआ था, मेरा भी गलती ये हुआ था कि उन्होंने पूछा था ग्राउंड से मीन सी लेवल तक का डिस्टेंस, और मैं लिख के आया एच, तो मैंने पढ़ा नहीं था क्वेश्चन, ठीक है, ठीक से। तो इसका आंसर तो एक है, लेकिन आपको अगर ये पूछेंगे तो ऐड करना पड़ेगा, 4 मीटर प्लस 1 मीटर कितना आएगा, 5 मीटर, तो आंसर विल बी 5 मीटर, ओके? सो दिस इज द इक्वेशन,
ये याद रखना है आपको, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये इक्वेशन है आज के वीडियो में, ठीक है। जेड इज इक्वल टू 40 H, तो देख लो जेड क्या है, ग्राउंड वाटर मीन सी लेवल से फ्रेश सलाइन वाटर का इंटरफेस है जेड। H क्या है, H इज द डिस्टेंस बिटवीन ग्राउंड वाटर लेवल एंड मीन सी लेवल, ओके। तो कंफ्यूज मत होना कि H पूछा है या A प्लस H पूछा है या H सिर्फ A पूछा है। अब कभी कभी ये भी पूछ देते हैं, दे विल आस्क यू द एंटायर डिस्टेंस बिटवीन द ग्राउंड वाटर एंड फ्रेश सलाइन इंटरफेस, ओके। सो यू जस्ट नीड टू पुट सम वैल्यूज दे हैव ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन इन दिस इक्वेशन, ओके। एंड इफ दे गिव द वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज फॉर द सैलिनिटी डेंसिटी और सैलिनिटी, नो नॉट सैलिनिटी, वी डोंट नीड टू कंसिडर सैलिनिटी हियर, वी हैव टू कंसिडर डेंसिटी इफ दे गिव इन द ब्रैकेट, ओके। सो इफ देर आर इफ द वैल्यूज ऑफ डेंसिटी आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन यू हैव टू कंसिडर दीज वैल्यूज, ओके। These two values you have to consider and just make the relation. Okay, if they have not given the density values, just put the values in this equation, you will get your answer. Okay, so this was Gibbon-Husburg equation, which is very important for JAM, GATE, NEET, and I hope you understood the concept. And whatever doubt you have in this, whatever I have explained today in this video, just put in the comment box. I will try to solve it. ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। और जैसे कि आपको पता है कि नेट होने वाला है अभी, ओके, नेट जनवरी में होने वाला है। आफ्टर दैट दिस एग्जाम विल बी फॉलोड, मोर टू राउंड्स विल बी फॉलोड आफ्टर दैट इन 2020 ओनली, ओके। सो आई थिंक आफ्टर जनवरी दे विल सेट द एग्जाम फॉर जुलाई, जून एंड दिसंबर, ओके, एज दे डू एवरी ईयर, ओके। सो ऑल द बेस्ट फॉर नेट एग्जाम एंड गेट पीपल ऑल्सो, and I think JAM will be there, right? JAM also, right? So okay, all the best everyone, prepare well and have a nice day. Thank you so much.